मेरी पूरी कोशिश होगी कि कुत्सिया को कभी किसी चीज की कमी ना हो, ना ही मुझसे कोई शिकायत। मैंने अपने बच्चों से भी बात कर ली है, इंशाल्लाह अब बहुत जल्द उनको मिलवाने ले आऊंगा। वैसे अब्बू जी, ये असद साहब जो है ना, ये सिर्फ मेरे बॉस ही नहीं बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अरे मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही काबिले एतमाद और शरीफ इंसान है। दुल्हा भाई खुद ये रिश्ता लेकर आए हैं, इसलिए इतनी तारीफें कर रहे हैं। बेटा माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, हो सकता है सौतेली माँ को इस तरह कबूल ना कर पाए, बाद में मसाइल होंगे। अरे अब्बू जी, ये कह तो रहे हैं कि अपने बच्चों को मिलवाने के लिए लेकर आएंगे हमारे घर। जब बच्चे घर आए तो आप उनसे पूछ कर इत्मीनान कर लीजिएगा, कोई मसले की बात ही नहीं। और अब्बू जी मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए आपकी तरबियत ऐसी है ना कुत्सिया के लिए, माशाल्लाह हमारी कुत्सिया बच्चों का इतना ख्याल रखेगी, इतना ख्याल रखेगी कि वो अपनी माँ को याद ही नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं। बस तो फिर मैं तो कहता हूँ इस रिश्ते को पक्का समझे। देखें अब्बू जी, जोड़े ना आसमानों पे बनते हैं, और ये जोड़ा तो नजर आ रहा है कि आसमानों पे बना है। बस रिश्ता हो गया पक्का, असद साहब पक्का हो गया रिश्ता। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये ना आप अपनी फेवरेट मिठाई से मुंह मिठा कर ये वाली खिलाओ ना, ये थोड़ा सा ये हुई ना बात। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी आप भी करें ना मुंह मीठा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना बात, ये ले सर साहब आप भी मुंह मीठा करें। अरे करें करें, ये हुई ना बात। निदा उठो, सर्व करो इनको। अरे नहीं बेटा, रहने दीजिए, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरी वजह से लोग तकलीफ में आए, सो प्लीज थैंक यू।